तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 13 वर्षीय एक छात्र के यौन उत्पीड़न आरोप में एक बास्केटबॉल कोच को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने यह कहते हुए इनकार कर दिया है कि जीवन के प्रारंभिक चरण में भरोसामंद रिश्ते से विश्वास उठ जाने से बच्चे को भविष्य में अंतर वैयक्तिक संबंध विकसित करने में बाधा आ सकती है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा है कि यौन हमला या यौन उत्पीड़न की हरकत सामाजिक विकास बाधित करने एवं कई तरह की मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा कर सकती है और उसके अलावा यह बच्चे में मानसिक अवसाद के अलावा भविष्य में उसकी चिंतन प्रक्रिया को भी प्रभावित कर सकती है। न्यायमूर्ति प्रसाद ने बुधवार को जारी अपने आदेश में कहा, बच्चे के कल्याण पर सर्वोच्चता के साथ विचार किया जाएगा क्योंकि शुरुआती चरण में उसकी मानसिक वृत्ति नाजुक होती है और उस पर जल्द असर पड़ता है। बालपन में यौन हमले के दीर्घकालीन प्रभाव बेहद गहरे होते हैं। इससे बच्चे का सामान्य सामाजिक विकास अवरुद्ध होता है और कई मनोवैज्ञानिक समस्याएँ हो सकती है जिसके लिए मनोचिकित्सक उपचार भी जरूरी हो सकता है। आरोपी की इस दलील पर कि पीड़िता ने सीधे सीधे व्यवहार का गलत मतलब निकाल लिया तो अदालत ने कहा कि वह संभवतः जानबूझकर की गई हरकत और असावधानीवश आचरण के बीच फर्क करना अच्छी तरह समझती है। अदालत ने कहा कि आरोप तय होने और पीड़िता से जिरह करने से पहले जमानत देने से बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम 2012 के पीछे का मकसद निष्फल हो सकता है। उच्च न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए निचली अदालत को एक महीने के अंदर आरोपी तय करने की दिशा में बढ़ते एवं आरोपी तय हो जाने की स्थिति में अगले महीने पीड़िता से जिरह करने का निर्देश दिया। पीड़िता दिल्ली के एक पब्लिक स्कूल की 9वीं कक्षा की छात्रा है।